नमस्कार, आज के इस खास पेशकश बढ़ता बिहार बदलता बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार वो पौराणिक धरती है जो भारत के इतिहास में एक प्राचीन रूप में अभी भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। यहाँ विकास की दर भी धीरे धीरे प्रगति कर रही है, और अगर हम बात करें पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की या तमाम और भी विकास की चीज़ें हैं जो बिहार में धीरे धीरे बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर भी यहाँ पर बहुत बेहतर होता जा रहा है, नीतीश कुमार की बहुत सारी योजनाएं हैं वो भी यहाँ पर फलती फूलती दिखाई दे रही हैं। बिहार में सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर चाहे कितनी भी विपदाएं आ जाए, बाढ़ का कहर आ जाए, यहाँ की एकता वो हमेशा लोगों को जोड़े रखती है। तो आज हमारे साथ यहाँ विवेक निराला मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार में विकास की क्या दर है और क्या क्या चीज़ें हैं जो बिहार में खास है। तो विवेक से हम बात करते हैं। विवेक, आपका स्वागत है न्यूज़ प्लस 24 में, आप हमें बताइए। धन्यवाद धन्यवाद अनु, और तो पहले तमाम दर्शकों, न्यूज़ प्लस 24 के तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात अनु, आपने बोला कि बिहार बदलता बिहार बढ़ता बिहार, वाकई में हमारा बिहार प्रगति के पथ पे बढ़ रहा है, बदल रहा है। 21वीं सदी का हमारा बिहार है, आज की यूथ हैं और यूथ ही हमारे बिहार को आगे ले जाएंगे और ले जा रहे हैं। और पटना में बहुत कुछ है, आप जैसे आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारा काम भी चल रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम के थ्रू हमारे यहाँ बिहार की जनता लाभान्वित भी हो रही है। जी अनु, तो इन्होंने बताया कि बिहार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वो प्रगति कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे विवेक से कि क्या ऐसी चीज़ें, बिहार के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दबी हुई अभी भी प्रतिभाएँ हैं लेकिन क्या उनको एक मंच की ज़रूरत है? जी, आपने बहुत बड़ी बात पूछ लिया अनु। सबसे बड़ी बात है यहाँ बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अगर एक कमी है तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ युवा जो हैं डिविएट हो रहे हैं अपने पाथ से। यहाँ मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ लोगों को शिक्षा में एक ऐसी चीज़ को जोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ की शिक्षा में नैतिकता लाने की ज़रूरत है कि आज जो भी युवा, चूँकि आप देख रहे होंगे कि जो पटना में हैं बिहार के जो युवा हैं, पढ़ाई करने का इनका दृष्टिकोण सिर्फ बन चुका है जॉब करना, राइट, एक कमाना चाहते हैं और मतलब सिर्फ। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये जो है कि पढ़ाई करना है तो सिर्फ कमाना है, ये तो ये प्रवृत्ति को हटाना होगा। चूँकि पढ़ाई कमाना सिर्फ कमाने का मकसद नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करें पढ़ाई कर और नैतिकता लाएं कि खुद में विद्वान बने और लोगों को जोड़ें, लोगों को लाभान्वित करें, समाज को अच्छा करके दें। आप खुद पैसे कमाएं तो कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कुछ यूथ्स को, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि सरकार पे सिर्फ ब्लेम ठोकना, सरकार ही क्यों नहीं करे, सरकार ही निकम्बी है, ये है वो है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आप सरकार पे सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। विंग यूथ, हमारा फर्ज है कि अगर आप बिहारवासी हैं तो बिहार को आप क्या कुछ देना चाहते हैं, बिहार से आपको लेने की उम्मीद है, तो सिर्फ सरकार पे ब्लेम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सरकार कितनी वैकेंसी निकालेगी, सरकार क्या कुछ करेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोगों में समन्वय के अभाव है, लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, तो ये चीज़ को निकलना होगा और यहाँ के यूथ का जो है भटकाव वो बचना होगा। जी अनु, तो आपने देखा विवेक ने हमें बताया कि हमें जॉब ओरिएंटेड से निकलकर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें स्टार्टअप प्लान जो गवर्नमेंट की इतनी सारी यानी मेक इन इंडिया भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है, तो उसको हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम जॉब सीकर नहीं बन के जॉब देने वाले बने, हम और लोगों को जोड़ें? तो ये चीज़ें हैं। और हम जानना चाहेंगे कि पटना में जो अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तो इसको लेके भी हम देखते हैं कि सरकार पे हमेशा हम लोग दोषारोपण करते हैं कि साफ़ सफाई नहीं, तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने आसपास अपने घर को एटलीस्ट साफ करें? जी सही बोला आपने अनु, और कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज़ प्लस 24 की कवरेज में मैंने NIT घाट की सीधी तस्वीर हम न्यूज़ प्लस 24 के दर्शकों को दिखाया था। आप वहाँ देख सकते हैं कि पहले का साफ़ सफाई और अब के साफ सफाई में आसमान और ज़मीन का अंतर है। पहले आप कूड़ी कचरे देखते थे, वहाँ पे NIT घाट के हम विभिन्न जगहों का मैंने निरीक्षण किया और न्यूज़ प्लस 24 के माध्यम से मैंने दिखाया कितना क्लीन था। तो सबसे बड़ी बात कि आप सिर्फ दोषारोपण करोगे, आपका क्या फर्ज बनता है कि आप जो भी अवशिष्ट
जो पदार्थ हैं वो आप जहाँ तहाँ ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। अगर जहाँ तहाँ फेंकते हैं तो कोई उसे सही स्थान पर दें। तो लोगों की सहभागिता जरूरी है। अब सिर्फ डायरेक्ट वे में कहा जाए कि अगर, चूँकि हमारा स्वच्छ भारत का मिशन है, तो ये मिशन कैसे सफल होगा? ये सफल तभी होगा जब हम लोग दूसरों की मदद करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा और हम लोगों को महसूस करना होगा कि हमारा ये जमी है, हमारा ये धरती है, हमें स्वच्छ रखना है, सुरक्षित रखना है। तो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। यहाँ पे कई बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे अगर रास्ते पे कोई चल रहा है तो अमूमन बिहार में हम देखते हैं कि वो कहीं भी थूक देते हैं, या मतलब उस चीज़ को सीरियसली वो नहीं लेते हैं अपने ऊपर। तो उसके लिए आप कुछ? जी सही बोला आपने। दो दिन पहले की बात है, मैं और हमारे एक मित्र दोनों जा रहे थे बेली रोड, राइट। बेली रोड से लगभग मेरी गाड़ी ज़्यादा की स्पीड नहीं, एक मीडियम 40-50 की होगी, और आगे से एक कार जा रहा था, मतलब ड्राइव करते हुए। इतने देखने से मतलब इतनी अमानवीय घटना मैं बताऊं कि अजीब, मतलब वह गाड़ी का खिड़की यूं करते हुए और पान का जो बड़ा सा जो है इतना गंदा लगा, और तेज हवा के कारण लोगों को जो तेज़ी में थे पड़े, मैं तो साइड करके निकला, लेकिन बहुत बुरा लगा। तो ये सब चीज़ घटनाएं मैं देखता हूँ तो मैं स्तब्ध हो जाता हूँ कि आप विंग यूथ, विंग बिहारी या कहीं भी आप हैं, तो ये सब घटना ना का अंजाम मत दें। और शिखर गुटखा जो ये सब खाते हैं, ये क्या है? मतलब ये आपकी सभ्यता को ख़राब कर दी, आपकी मानसिकता को ख़राब कर रही है, आपकी दृष्टिकोण को ख़राब कर रही है। तो ये सब चीज़ से बचने की ज़रूरत है। जी अब आखिर में हम बस एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे छोटा सा, कि ट्रैवल एंड टूरिज्म जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो बिहार में प्रगति तो कर रही है, लेकिन उसे और प्रगतिशील बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी ये बड़ी बात आपने बोली, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल यह एंटरटेनमेंट का एक बहुत बेस्ट बात है। और मैं आपको बताऊं अनु कि यहाँ टूर एंड ट्रेवल के लिहाज से यहाँ कुछ वर्षों में पटना में समृद्धि हुई है, विकास दिखा है। आप सप्ताह द्वार को ले लो, आप सप्ताह द्वार का आप खुद कवरेज करके बताई थी, चाहे आप म्यूजियम को ले लो, तो यहाँ दिखा है। आप दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आप जगह है यहाँ पटना में, लेकिन पटना को हम बिल्कुल डेवलप करें, हम मेट्रो की जैसा कंपेरिजन में लाकर खड़े करने के लिए सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सरकार की और लगातार बेहतर प्रयास होनी चाहिए कि पटना को और कितना स्मार्ट बनाया जाए। पटना में जितने भी अब डेवलपमेंट का रास्ता आप देखें तो गौर कीजिएगा कि ये डेवलपमेंट आप ये दानापुर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट, चूँकि वांटेड एरिया फतवा तक भी आता है पटना का, उस एरिया में डेवलपमेंट आप बिल्कुल नहीं देखें, नगण्य है। वहाँ की रोड की स्थिति है, वहाँ आप देखिए वहाँ की असभ्यता, मतलब वहाँ मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही आप पटना सिटी से उधर जाइएगा फतुहा तरफ, मतलब तो वहाँ कट का जो भी तो गंदगी और कूड़े कचड़े वहाँ दिखेंगे। तो सरकार को ये सीधी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप बिहार में और ख़ास करके पटना को स्मार्ट बना रहे हैं, तो कुछ एरिया चिन्हित कर कम से कम जो वांटेड एरिया है उस एरिया को वाकई में डेवलप करें, कि अगर यहाँ के अदर स्टेट के लोग आते हैं तो वाकई में पटना से प्रभावित होकर जाएं कि वाह क्या पटना है। तो इसे छवि सरकार की बनती है और जनता की भी बनती है, ये बड़ी बात है। जी तो आज हमने विवेक से बात की और जाना बिहार में क्या कुछ हो रहा है, कैसे प्रगति करें और क्या और यूथ को इसमें करना चाहिए। तो आज की इस खास पेशकश में बढ़ता बिहार बदलता बिहार में इतना ही। और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 24 के साथ। नमस्कार।